पाठक एक बार फिर आप लोगों के सामने आके एक और नई वीडियो को लेके आज मैं आ चुका हूँ पुराने बाज़ार में, जो कि अब होली बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपको पुराने बाज़ार में आपको होली दिखा रहा हूँ। देखिए पुराने बाज़ार में, देखिए पिथौरागढ़ शहर, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान बहुत भाई चाली से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमानों के प्यार का प्रतीक, देखिए दोनों होली मिलकर खेल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए मैं आपको होली में गाना गाते हुए दिखा रहा हूँ। देखिए नाचते हुए ये होलिया, देखिए ये देखिए होली अब नज़दीक है। मैं अब पुराने बाज़ार पहुंच चुका हूं। इस समय देखिए होली हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जो कि बहुत ही प्यार से मनाई जाती है। देखिए चीर लगता है। ये देखिए अभी मेरे साथ पुराने बाज़ार में ये बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कैसा लग रहा है आपको। ये काफ़ी पुराने हमारे बुजुर्गों के समय से चली आ रही है ये, और ये आगे भी ऐसे ही चलते रहेगी। ये हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा इधर भी कवर कीजिए, बुजुर्गों से जमाने से लगे हैं ये। अच्छा ये कितने दिनों की चलेगी फिर? ये पूरे होली तक चलेगी आपका, और यही रात भर होली गाई जाएगी, और आने वालों के लिए यहाँ पर आलू नौजवान और वो भी बनेंगे, सारे खाने पीने की व्यवस्था भी होगी जितने लोग। ये तो हर साल बहुत बढ़िया आलीशान तरीके से मनाई जाती है ये होली। जी जी बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। तो ये अभी कब तक चलेगी? अब ये होली के अंत तक चलेगी, पूरी 8 तारीख तक चलेगी। बुला उनको बुला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद पाठक जी, आपका भी। इसी तरह आप ब्लॉग बनाते रहिए और आप भी आइए। ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं अब ऐतिहासिक चौक पर। देखिए आज होली की चीर बज चुकी है, आज 27 तारीख को यह चीर बधी हुई है, और 7 तारीख को यह चीर हटेगी। यह देखिए यह मेल का पेड़ होता है, जब इसको यहां लाया जाता है तो यह होली के चीर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां आज 27 तारीख से 7 तारीख तक यहां पर रात 8 बजे से 11 बजे तक खड़ी होली खेली जाती रहेगी, और हर दिन प्रसाद बांटा जाएगा। ये वो ऐतिहासिक चौक है जहाँ पर हर ऐतिहासिक प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर मुहर्रम भी मनाया जाता है, रामलीला के पुतले बनाए जाते हैं, और होली की चीर बांधी जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हर साल हिंदू और मुस्लिम भाई बहुत प्रेम से रहते हैं और होली मनाते हैं। देखिए यह वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हर ऐतिहासिक प्रोग्राम होते हैं। देखिए मैं आपको होली की चीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्थानीय निवासी, ये देखिए अंकल का लो ना, अंकल का फुल नॉलेज वाले हैं। ये देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये महाकाली की धुनी लग चुकी है। ये देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये अंकल। अंकल ये धुनी कितने बजे से जलेगी, महाकाली की धुनी है जो? ये आपका 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद लगेगी। तो ये जो होली का कार्यक्रम होता है ये रात भर चलेगा? ये इसका एक समय है, कोई मतलब इसकी एक लिमिट नहीं है कि 11:30, 12 कभी 1, कोई टाइमिंग नहीं है। तो ये रात भर होली का जो कार्यक्रम है रात भर चलते रहेगा? होली का ये रात भर तो खैर चलता तो नहीं है, एक समय होता है, लेकिन ये रोज़ाना की तरह रात्रि होती है। अच्छा जैसे आज ये 27 तारीख को होली की चीर बजी हुई है, तो ये 7 तारीख तक रोज़ ऐसी जलाते जी, रहेंगे जी, 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 जी। ये जो धुनी है महाकाली माँ की? हाँ बिल्कुल धुनी जलती रहेगी। तो ये रात भर 8 बजे से 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा? बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुराने बाज़ार, जो कि ऐतिहासिक चौक पर इस समय बैठे हैं अख्तर अंकल, साथ में ये स्थानीय निवासी भी हैं। हाँ अख्तर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे
इस विषय पे आपने हमने इस चैनल में जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, हम धन्यवाद करते हैं। ये होली का उत्सव है, ये इस पुरानी चौक वाजार हजारों साल से मनाया जाता है हमारे जमाने से। ये यहाँ का प्रतीक है और यहाँ सबसे पहले इसके अलावा और कहीं चीज़ नहीं गाड़ी जाती है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर होली मनाते हैं और जो एकता का प्रतीक है और काफ़ी धूमधाम से यहाँ होली का त्यौहार मनाया जाता है। आज चीज दहन हुआ, 8 तारीख को 6:30 तक पेड़ ऐसी रहेगा, उसके बाद 7 तारीख की रात को उसका दहन किया जाएगा, 8 तारीख को थाली बन जाएगी। और यहाँ बहुत प्रेम से होली चौक माना और प्रसिद्ध त्यौहार है। अच्छा अख्तर जी, आज 27 तारीख को होली की चीर बदी है, तो ये 7 तारीख तक रात भर 7 तारीख तक कंटिन्यू होली यहाँ गाते रहेंगे। अच्छा, तो सब मिलकर गाते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये तो हर साल होता है होली मिलन कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है जब चीर बदी है तो इधर होता है। ये तो हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम से होली मनाते हैं, बहुत प्रेम का प्रतीक है ये हर साल इस ऐतिहासिक चौक पर बनता है। ऐतिहासिक चौक है ये वाले होली चौक जो है, ये ऐतिहासिक चौक है, सबसे पुराना चौक यही है जो पिथौरागढ़ बसी थी पहले। ये यहाँ पर गिने चुके 30 या 40 मकान थे, बाकी ये सब बाकी बसाकर बात असली शोर पिथौरागढ़ यही हुआ होली चौक। अख्तर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अख्तर जी धन्यवाद है जो आपने इस चैनल से हमें जोड़ा। धन्यवाद है अख्तर जी, आप मेरा चैनल देखते हैं? हाँ देखते हैं। आपको कैसा लगता है मेरा चैनल? बढ़िया चैनल लगता है आपका। मैं इसी तरह से ऐतिहासिक चीज, कल भी आपका अखबार में आया था, बहुत अच्छा लगा। अख्तर जी मैं इसी तरह से अपना ऐतिहासिक चीजें बता रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आपने हमें जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी तरह से आगे भी इन चीज़ों को दिखाते रहूं? बिल्कुल, आप हमेशा इस दिखाते रहिए। अख्तर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। इस बीच में ऐतिहासिक चौक पर बैठा हुआ हूं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सूरज जंग जी, साथ में पंजी साथ हैं। सूरज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आपका ये चैनल देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और ये जो है हमारा होली चीर बंधक 1832 से है और यहाँ पर सारे धर्म के लोग मिलजुल के इसे मनाते हैं और बहुत उत्साह से इस होली को हम मनाते हैं सारे धर्म के लोग। अच्छा सूरज जी एक चीज़ पूछनी है, मैं हर साल देखता हूँ इधर पे जब भी होली का त्यौहार आता है तो ये बहुत हिंदू भाई हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छी तरह से मेल प्रेम से इधर पे बहुत बढ़िया तरीके से होली मनाते हैं। आप तो हर साल होली मिलन के कार्यक्रम में इधर पे जब भी चीर बता है आप हर साल इधर पे आते होंगे, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे ये जो बंधन है ये हमारे बुजुर्गों के टाइम से है, हमारे बुजुर्ग इसे मनाते थे, अब हम लोग मना रहे हैं। ये भाईचारे का प्रतीक है होली का त्यौहार, भाईचारे का एक प्रतीक है ये होली का त्यौहार। तो ये आज 27 तारीख को चीर बदिया, तो ये 7 तारीख तक चलेगा लगातार? ये 7 तारीख तक लगातार चलेगा और 8 को छरड़ी मनाई जाएगी पिथौरागढ़ से। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ सूरज जी। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, साथ में पंजी भी बैठे हुए थे, पंजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी बीच जुड़ चुके हैं मेरे साथ शुभम जी। शुभम जी आप कुछ कहना चाहेंगे, होली के चीर बदी है जो ये पुराने बाजार में, कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पाठक जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे चौक पे आए और सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया इनने ब्लॉग के माध्यम से। ये अपना चैनल चलाते रहते हैं, गोस्तवानंद पाठक नाम से इनका चैनल है, ये काफ़ी हमको नई तरह तरह की नई नई चीज़ें दिखाते रहते हैं। और आज ये इस ऐतिहासिक चौक में आए हैं जहाँ हमारी होली की चीर लगी है ऐतिहासिक चौक में, तो ये आके इन लोगों ने बहुत अच्छा कुछ हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा आप मेरा चैनल देखते हैं? जी सर। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है, सिंगिंग और ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए अरे ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक बिजी आदमी इतना टाइम नहीं निकाल सकेगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी क्वालिटी है कि पाठक जी हमारे ब्लॉग भी बनाते हैं और अपने कार्य भी पूरा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा शुभम जी एक चीज़ बताइए, ये होली की चीर जो बांधी जाती है हर साल देखते हैं, ये यहाँ के हिंदू और मुस्लिमों के बहुत ही भाईचारे और प्यार का प्रतीक है, ये कितने दिनों तक चलती है? ये आज से आज होली की चीर लगी हुई है, आज से ये 10 तारीख जब तक 8 तारीख तक होली रहेगी, यहाँ 7 तारीख
को यहाँ से ये तीर को हम ले जाया जाएगा। तो ये 7 तारीख तक तब तक यहाँ पे लन का ये कार्यक्रम होता है, ये 7 दिन तक लगातार चलेगा। हाँ जी 7 दिन तक लगेगा। यहाँ तरह तरह की होली आएंगी, यहाँ गाँव लोगों की होली आएंगी, यहाँ गाँव में सब जगह की होली आती रहती है। यहाँ होली आने के बाद यहाँ प्रसाद वितरण होता है, आज भी यहाँ प्रसाद रात को कार्य रहेगा। तो 7वें दिन तो यहाँ पे पूरा भोजन वोजन की पूरी व्यवस्था रहती होगी, प्रसाद वितरण और बहुत सारे गांव से यहाँ होली आती है। और यहाँ आप अगर यहाँ का आप मंच उठाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ समय से पहुँच जाइए। ये पुराना चौक बाजार सुनार गली ऐतिहासिक चौक। तो ये थे पुराने बाजार के मेरे साथ स्थानीय निवासी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका भी पाठक जी, आपने इतना काम करा आपने, क्योंकि एक बिजी लाइफ जीते हुए भी आप अपने ब्लॉग बनाते रहते हैं, इससे हमें आपको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। आप मेरा चैनल भी देखते हैं? हम आपका चैनल रोज़ देखते हैं। आपको कैसा लगता है मेरा चैनल? काफ़ी अच्छा लगता है, तभी मुझे आपको देख के ऐसा लगा कि क्या कहते पाठक जी एक जो उसके बाद भी ये ब्लॉग बनाते रहते हैं, देखो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी क्या पता भविष्य में इनके तरह ब्लॉग बनाएं और हम भी इनके तरह आगे को समाज सेवी कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपके अनुसार मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहूं? जी आप करते रहिए। बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। ये देखिए स्थानीय निवासी होली का त्यौहार मनाते हुए काफ़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए देखिए इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।